गाइस, काफी टाइम से मैं आईफोन यूज कर रहा हूँ, लेकिन मैं काफी दिन से इंतजार कर रहा था कि एप्पल वॉच अल्ट्रा 3 मैं लूंगा। मेरे पास काफी सारे वॉचेस पड़े हैं, अगर आप देखेंगे फ्रंटियर भी। मैं प्रॉब्लम इन सब वॉचेस के साथ क्या होती है कि जो एंड्रॉयड का है वो iOS पे नहीं चलता, जो एप्पल का है वो एंड्रॉयड पे नहीं चलता। एप्पल वॉच 10 और इसमें मैं कंपैरिजन करता हूँ, वॉच 10 भी अच्छा है बट मुझे पर्सनली उतना इम्प्रेसिव नहीं लगा। एप्पल वॉच 9 से साइजेस का फर्क है थोड़ा सा, टाइटेनियम का उसके अंदर मैं देख रहा था, टाइटेनियम का लुक जो स्टील खास करके स्टेनलेस स्टील वाला है मुझे उतना कुछ इम्प्रेसिव नहीं लगा। इनफैक्ट ब्लैक में भी ऑल ब्लैक करके जो निकाला है वो भी मुझे उतना इम्प्रेसिव नहीं लगा। दैट इज लाइक ऑर्डिनरी वॉच जैसा मुझे महसूस हो रहा था। सो मैं सोच रहा था थोड़ा सा रगेड हो और उसके अंदर ईसिम फैसिलिटी हो, उसके अंदर हम कॉल ले पाएँ और हाई टेम्परेचर पे GPS वगैरह अच्छा काम करे, क्योंकि मेरा जो रिक्वायरमेंट है ना वॉच खरीदने के पीछे का, कि कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए टू व्हीलर से चल रहे हैं तो टू व्हीलर से चलते टाइम पे क्या है कि मैप आपके मोबाइल में, मोबाइल को पैकेट में रखने से क्या है उसका GPS अच्छा से काम नहीं करता है, तो कभी कभी प्रॉपर वो बोल नहीं पाता या हम देख नहीं सकते क्योंकि टू व्हील ड्राइव कर रहे हैं। तो इसके वजह से मैं चाह रहा था वॉच ऐसा इफिशियंट होना चाहिए जिसमें कि रिलायबल GPS हो। तो वो मैंने देखा एप्पल वॉच अल्ट्रा 2 बहुत अच्छा वॉच है जिसके अंदर दो L2 एंड L5 GPS है, अब डबल बैटरी बैकअप, स्पीकर भी इसके अंदर स्टूडियो स्पीकर्स है, वॉच 10 में सिंगल मोनो स्पीकर्स है, एक तो ये चीज़ हो गया। उसके बाद हाई अल्टीट्यूड पे जब जाएंगे तो उसका टॉलरेंस ज़्यादा है, क्योंकि मैं ड्राइव करता हूँ तो कभी कभी लेह लद्दाख चले गए या नेपाल चले गए, ऐसी जगह पे जहाँ गए जो काफ़ी हाइट पे है, तो उस हाइट पे भी उसका प्रॉपर पोजिशनिंग, सैटेलाइट, ये सारी चीज़ें काम करनी चाहिए और उसके अंदर ऑफलाइन मैप्स भी डाउनलोड कर सके। तो ये सब वजह से मैंने सब लिस्ट किया, फाइनलाइज किया कि भाई मुझे एप्पल वॉच अल्ट्रा 2। अब चूंकि ये वॉच का जो कॉस्टिंग है वो 85,000 के आसपास का इसका कॉस्टिंग है मिनिमम, और उसके बाद लेकिन उसके साथ साथ जो बैंड देता है वो कपड़े का बैंड देता है बहुत तरह के, उसके अल्पाइन लुक में मुझे बहुत पसंद आया, रबड़ वाले भी हैं, बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर। मुझे चाहिए था टाइटेनियम स्ट्रैप जो कि इटसेल्फ 25,000 से 35,000 के रेंज में आता है अगर आप बाहर से मंगाते हैं, अवेलेबिलिटी का भी प्रॉब्लम। मैंने क्या किया, सभी जगह जितना भी लोकल शॉप है सभी जगह जा करके, इनफैक्ट एप्पल स्टोर से भी मैंने ये पता किया कि कितने दिन में अवेलेबल हो पाएगा, तो वहाँ पे भी 2 महीने का वेटिंग। लेकिन एक जगह मैंने देखा कि ये 1 डे 2 डे डिलीवरी में अवेलेबल था, दैट इज अमेजॉन। यहाँ पे देखेंगे कि जो मुझे वॉच चाहिए अल्ट्रा 2 GPS प्लस सेलुलर, मतलब इसके अंदर से फोन भी हम पिक कर सकते हैं, मोबाइल साथ में रहे ना भी तो भी, 1 महीने से ऊपर का पूरा इसका वेटिंग पीरियड। सो गाइज, फाइनली अभी आज हमारे पास आई हुई है ये है एप्पल वॉच का ब्लैक टाइटेनियम स्ट्रैप जो कि हमने बताया प्रीमियम है और इंडिया में ये मिल भी नहीं पा रहा है किसी भी जगह पे। तो मैंने सोचा मैं इसको अनबॉक्सिंग करता हूँ। ये इसका कुछ इस तरह से पैकेजिंग है, एक सील्ड इसमें आता है अमेज़ॉन का जैसा सिक्योर, अमेज़ॉन नाउ ए डेज बहुत ही रिलायबल, अब वो बात नहीं रही कि अमेज़ॉन से कुछ खरीद लिया और चेंज करवाने का, अब वो ज़माना गया, इतनी हाई सिक्योरिटी होके आती है कि मतलब जेन्यून कस्टमर ही इसको ऑर्डर कर सकते हैं, नहीं तो अकाउंट में प्रॉब्लम आती है ना। तो ये है कुछ इस तरह से इसका पैकेजिंग, देखेंगे इसको मैं अभी ओपन कर रहा हूँ और इसके अंदर जो है ये है एप्पल का ये वॉच, तो ये इस तरह से डिवाइस है और देखता हूँ ये खुला वुला तो नहीं है। कुछ इस तरह से ये इसका पैकेजिंग आती है, अगर फ्रंट पे देखेंगे तो ये अच्छा आईफोन का ही डिज़ाइन, ये सीडी प्लेयर जैसा डिज़ाइन ये आपको दिख पा रहा है और यहाँ पे इसका IMEI नंबर वगैरह ये सारी डिटेल रहेगी। इधर साइड में तो पैक ही लग रहा है एप्पल वॉच, लेट मी ओपन इट, पहले इसको चेक करता हूँ। ये कुछ इस तरह से इसका पैकेजिंग है। ओ भाई लुक एट इट, अंदर ये लैंडस्केप टाइप का डिज़ाइन बना हुआ एंड इसका दिस इज़ हाउ इट इज़ यू कैन सी। ये देखिए ये मज़ेदार है, सिंगल पेपर में ये पूरा ओशन का, इसके पीछे का लॉजिक क्या है कि ये समुद्र का है, मतलब वाटर प्रूफिंग इसका हाई लेवल का है, दैट इज़ दैट 100 ATM का इसके अंदर वाटर प्रूफिंग है, समुद्र के अंदर भी लेके चले जाएं तो भी कुछ नहीं होगा, 100 डाइविंग वगैरह के लिए ये परफेक्ट वॉच है, हालांकि मुझे डाइविंग नहीं करनी है, तो ये इसके साथ
इसके साथ साथ ये मैंने जो लिया है मिलानीज लूप जो कि प्रीमियम है, अभी इंडिया में नहीं अवेलेबल है, और ये इसका कुछ बुकलेट है और इस तरह से ये सारे इसके अंदर लूप्स डिजाइन्स आते हैं। मैंने ये भी देखा था, ये ग्रीन वाले, ये अल्पाइन लूप भी है, ये ओसन है, ये ट्रेल लूप, ये सारे मुझे अच्छे नहीं लगते। ओसन भी सो ठीक ठीक है, लेकिन अल्पाइन लूप जो है, अल्पाइन लूप मुझे ठीक लगा था एक्चुअली, आउटलेट पे मुझे बहुत अच्छा लगा था। इसके बाद ये वॉच का पूरा दिखा हुआ है कि इसके अंदर क्या क्या कहाँ पे बटन्स हैं, बटन्स के क्या यूजेज है, ये यूजर मैनुअल भी फुल प्रिंटेड है विच इज़ वेरी गुड। 65 फीट का इसके अंदर ये दिया है, अच्छा 92 मतलब वो, हाँ इसके अंदर ना एक फीचर और नया ऐड किया है, वो ये है टाइड, हाई टाइड वगैरह समुद्र में अगर आप जा रहे हैं तो ट्रैकर स्लीप अपनिया करके एक फीचर इसके अंदर आता है कि आप डिस्टर्ब स्लीप हो रहे हैं या कितना रिलैक्स नींद उठा रहे हैं, ये सारे स्लीप साइकिल वगैरह ट्रैक करेगा। और ये इन्फॉर्मेशन जो है स्टार्ट स्क्रीन के ऊपर ये सारी जो देते हैं, ये मुझे चाहिए एक्चुअली, ये हार्ट बीट वगैरह ये सारी चीज़ें, यू नो ब्लड प्रेशर तो शायद अभी तक एक्टिवेट नहीं होगा। और ये रहा इसका वॉच, ये इसका वॉच है, इसको स्वाइप करने का है जैसे अपना इसमें करते हैं आईफोन वगैरह भी लेते हैं, तो वैसे ही गया, ये खुल गया। ओह लुक एट दिस। सो इसके साथ ये आते हैं, ये है वॉच, ये है छोटा सा वॉच जो कि हेवी है, और ये इस तरह से पेपर में लपेटा हुआ है पूरा, इन्हें खोलना पड़ेगा। ये इसका एप्पल वॉच छपड़ नहीं पड़ा, ये ब्लैक कलर में कर करके ये बहुत ही मस्त किया है। ये ब्लैक कलर होने के बाद यू नो एप्पल वॉच अल्ट्रा 2 रगेड भी हो गया है एंड दिस इज लुकिंग गुड। साइड में ये सारे बटन, ये कलर पॉपअप होके आ रहा है, इधर इसका स्पीकर दिया है, इसके बाद फिर इसके ड्यूअल माइक है, स्टीरियो माइक है, वॉइस कमांड भी इसका तगड़ा है। बैक साइड में अगर देखा जाए तो एप्पल वॉच 49mm का इसका ये आता है, टाइटेनियम है, ये टाइटेनियम मटेरियल है, और इसका स्ट्रैप्स मैंने जो लिया है वो भी टाइटेनियम है, वो भी कॉस्टली। GPS है इसके अंदर, LTE है, 4G है, सिम कार्ड इसके अंदर, मतलब eSIM कनेक्टिविटी है, तो ये ब्लूटूथ से कनेक्ट नहीं भी रहा तो भी इसके ऊपर फ़ोन और मेल्स और मैसेजेस ये सारी चीज़ें आएंगी। 40 मीटर्स का डाइविंग के लिए भी ये एक्सेप्टेबल है एंड 100 मीटर का वाटर रेसिस्टेंस। तो सिरामिक कोटिंग है इसके ऊपर, अब इसको स्विच ऑन करेंगे ये। ओके ब्रिंग आईफोन नियर, ये अच्छा इसके अंदर NFC भी शायद दिया है। ये पासकोड से आप देख पा रहे हैं, ये एप्पल वॉच हमारे हाथ में है अभी, 85,000 का, 85,000 रुपये का ये है, कोई डिस्काउंट नहीं, सिर्फ बैंक का डिस्काउंट। इस एक बटन, ये डिजिटल क्राउन है, यहाँ से मेन्यूज वगैरह, मेन्यू जैसे आप देख पा रहे हैं मैं इधर घुमा रहा हूँ तो ये पासकोड मांग रहा है, सिक्योरिटी ये आ गया। अब इसमें ये सारे एप्लीकेशंस वगैरह मस्त चल रहे हैं, ये एक्टिव भी, वेलकम टू ये आ गया, सेटअप अभी हमने किया है, सारी चीज़ें हमारे फोटो वगैरह भी दिख रहे हैं भाई साहब। इसके अंदर यू नो LTE सर्विस भी एक्टिवेट हो गया है, और ये वापस लॉक हो गया। ब्राइटनेस इसका ज़्यादा है, यू नो अगर गैलेक्सी वॉच 10 के हिसाब से कंपेरिजन करेंगे ना तो गैलेक्सी वॉच 10 में 2000 निट्स का डिस्प्ले है और इसके अंदर 3000 निट्स का डिस्प्ले है, जो कि हमने, मेरे दोस्त ने ऑलरेडी खरीदा था, तो हमने इसको बाहर धूप में टेस्ट किया, बिल्कुल कड़कड़ाती धूप में, और धूप में भी ये प्रॉपर दिखता है। तो उसके ऊपर, उसके बाद दूसरा चीज़ हमने क्या कंसिडर किया कि ये जो वॉच देख पा रहे हैं इसका जो कॉर्नर है, सभी जगह देखेंगे कि ये रगेड है, तो कॉर्नर पे बॉर्डर्स रहने से फ़ायदा भी है, नुकसान सिर्फ ये आप कह सकते हैं कि बॉर्डर थोड़ा सा ज़्यादा है तो घड़ी की साइज़ बड़ी होती है, 49mm का ये है। और जो वॉच 10 है डिस्प्ले साइज सेम है दोनों में, से मोर लेस 0.1mm का आगे पीछे है, लेकिन उसमें कर्व स्क्रीन है, कर्व स्क्रीन से क्या स्क्रीन चमकता है दूसरा, लेकिन फ़ायदा है कि आपको स्वाइप करने में इजी आता है, और वियर एंड टियर थोड़ा सा ज़्यादा डेडिकेट हो जाता है, इसलिए हमने ये वाला मॉडल सेलेक्ट किया, और ब्लैक में काफ़ी मुझे खतरनाक ये लग रहा था, इसके लिए हमने ये वाला वॉच को सेलेक्ट किया। और इतने में सिर्फ ये आता है, इसके साथ यू नो नॉर्मल फीता जो भी स्ट्रैप्स आता है, अल्पाइन लूप वगैरह वो सारे साथ में आते हैं, वो हमने नहीं लिया, हमने एक्चुअली इसके साथ जो स्ट्रैप्स मंगवाए हैं वो टाइटेनियम मटेरियल का मैं सोचा हुआ था, तो मैं खोलता हूँ। गुड, सो ये इसका है स्ट्रैप, अब देखता हूँ कि कैसा है
भाई ये तो ठीक लगा है, मीडियम साइज का मैंने लिया है, 35,000 का ये आता है। ये बहुत रगेड है, मतलब इसको लगा करके घड़ी गिरने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। और ये भी लॉक है, अगर आप देखेंगे तो ये भी लॉक है। ये तो देखने से ही ये मुझे रगेड महसूस हो रहा है। अच्छा, इसको पकड़ के खींचना था। अब इसके बाद यहाँ पे इसका चेन भी लॉक है। ये इसका इसका जो लॉक है बहुत खतरनाक है, ये देखिए। और बहुत लाइट वेट है, मतलब लग नहीं रहा कि ये मेटालिक है, ये देखिए। अब इसको मैं लगाता हूँ। और इसका सबसे अच्छा चीज़ ये मैंने क्यों लिया कि एक तो ये ब्लैक ब्लैक मैच कर रहा है, बेटर लगा। प्लस में ये बहुत ही लाइट वेट है, कुछ वजन नहीं है इसके ऊपर देखा जाए तो। और इसका लॉकिंग इतना खतरनाक लॉकिंग है कि ये खुल ही नहीं सकता। अगर आप घड़ी के साथ लेते हैं तो 10,000 का फ़ायदा हो जाता है, कम लगता है, नहीं तो ज़्यादा लग जाता है। ये है इसका मिलानीज लुक। अब इसको मैं लगाता हूँ। ये है एप्पल वॉच अल्ट्रा 2 जो आप देख पा रहे हैं, और ये है मिलानीज लुक। इसको कैसे कनेक्ट, इसको कैसे लगाएंगे, तो इसके लिए इंस्ट्रक्शन बुक में ऑलरेडी दिया हुआ है कि ये पिन को, जिस पिन में ये हुक है लगाने के लिए, इसको उठाएंगे और इसको इस तरह से अंदर डाल देंगे सिंपली। ओ भाई साहब, लुक एट दिस, दिस इज सो, अब ये ठीक लगने लग गया, हो गया, ये हो गया इसका मिलानीज लुक। और नाउ दिस इज लुकिंग गुड, वाओ, लुक एट दिस, क्या मस्त ही लग रहा है भाई। इसको ना अपन यहाँ पे एक देखेंगे तो एक ओपन बटन है, ओपन बटन करने के बाद ये स्वाइप होगा नीचे की ओर। इसको इस तरह से हाँ अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे। अब इसको मैं जगह अपने रिस्ट पे जगह सा मेजर करता हूँ कितना चाहिए। इसके लिए और अच्छा उपाय ये है कि इसको ना, अरे वो भी गया लोग, वाह, इसको ला करके यहाँ पे इसे पुश कर दूंगा, ये हो गया लॉक। सो गाइस, इस तरह से ये हमारा एप्पल वॉच 2 का अल्ट्रा, जो एप्पल वॉच अल्ट्रा 2 मिलानीज लुक के साथ आप देख पा रहे हैं, ये हमारे हाथ में है और नॉट लुकिंग बैड। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। मैं दोनों, मैंने शोरूम के अंदर जो टेस्ट किया था वो सारे, वो भी फुटेज इसके साथ ऐड कर दूंगा। अब मैं बताता हूँ कि ये वॉच मुझे लेने के पीछे का रीज़न, जैसा मैंने बताया कि इसके अंदर जो आता है वॉच 10 के मुकाबले, कि इसके अंदर डबल बैटरी बैकअप है, उसमें एक दिन चलेगा तो इसमें उसका जस्ट डबल है, 72 आवर्स का इसका बैकअप है और उसका 36 आवर्स का। उसके बाद फिर माइक है, इसके बाद जीपीएस जो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट है मैप चलाने के लिए, कि मान लिया ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे यू नो मोबाइल निकालना हमेशा सेफ भी नहीं है, टू व्हीलर से चल रहे हैं, तो वैसे जगह के लिए कि जीपीएस मैपिंग इसके अंदर ही प्रॉपर दिखाए, तो उसके पर्पज़ से मैं इसको चूज किया। उसके अलावा वाटरप्रूफिंग वगैरह तो इसका डबल है ही। और उसके बाद अगर आप यू नो अगर ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे चैलेंजिंग वेदर कंडीशन होता है, जैसे कि हिमालय रेंजेज में या ऐसी जगह पे हाई अल्टीट्यूड पे, वहाँ पे भी मोर देन डबल कैपेसिटी है इसको टॉलरेट करने का। तो मैं आपको इसके बारे में बताऊँगा कि हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहा। ये मेरा एप्पल का पहला वॉच है। सो गाइस, फाइनली ये एप्पल वॉच अल्ट्रा 2 हमारे हाथ में देख पा रहे हैं, ये है मिलानीज लूप के साथ। और इसका जो लॉक है धांसू लॉक है, मतलब ये इतना इजी से लॉक इन हो पा रहा है जैसा मैं देख रहा हूँ। और एक बार लॉक हो गया तो उसको कोई खींच निकल ही नहीं सकता। तो इसके लिए अब इतनी महंगी घड़ी है तो मैंने भी वही सोचा कि क्यों ना इसको जो बेस्ट हो सकता है इसके अंदर मैंने ये मंगा लिया। ऐसे देखा जाए तो इस स्ट्रैप का जो कॉस्टिंग है इतने में घड़ी आ जाती है। और ये वाले जो स्ट्रैप है मतलब इसके साथ ऐसे बाय डिफॉल्ट 5,500 का फीता आता है, जो भी अल्पाइन लूप कहिए या जो कुछ भी इसके अंदर डिजाइन अवेलेबल हैं, बट इसका 5 स्ट्रैप के बराबर का इसका सिंगल स्ट्रैप का कॉस्टिंग है। बट इसका लॉकिंग खतरनाक। और दूसरी चीज़ क्या है ना कि इसके अंदर अगर आप देखेंगे क्लोजली तो इसके अंदर होल्स है, चीना वगैरह आएगा तो अनकम्फर्टेबल सोने में महसूस होगा नहीं। ये इनफैक्ट बेल्ट का जो स्ट्रैप है उसके वजन से भी हल्का है और बहुत ही यू नो ये है ऐसा
मतलब देख के ऐसा नहीं लगा बिकॉज इट इज टाइटेनियम, टाइटेनियम बिल मटेरियल है एंड ओवरऑल इट इज लुकिंग गुड। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं जब वॉच अभी देख रहा था उसमें मेरे लिस्ट में था, जो कि नॉर्मल किसी के भी एप्पल के साइट पे जा कर के और देखेंगे ये दोनों वॉच लिस्ट में, एप्पल वॉच सीरीज 10। ये भी मोर लेस एक कहिए कि अगर आप इसके अंदर सबसे प्रीमियम ले रहे हैं और एप्पल वॉच अल्ट्रा 2 का मतलब बिना मिलानीज लूप का फीता वाला, तो भी एक प्राइस मोर लेस सेम ही पड़ेगा। सेलुलर लेंगे दोनों का, सेलुलर में ही मैं कंपेरिजन करूँगा, दैट इज़ वंस ओनली मेक सेंस। तो इसके अंदर देखेंगे ना तो जो एप्पल वॉच 10 का है ये साइज 46 mm है आउटर साइज और 49 mm का अल्ट्रा 2 का है। डिस्प्ले 2000 निट्स का एप्पल वॉच 10 में है और इसके अंदर 3000, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा था। कहें तो 36 आवर्स का, वहीं पे इसका जस्ट डबल है अल्ट्रा 2 में, 36 आवर्स का है अगर खूब यूज़ करेंगे तो, और अगर लो पावर मोड में तो 72 आवर्स का। अब ये चीज़ मुझे चाहिए था क्योंकि मैं कभी कभी ड्राइव पर जाता हूँ तो दो दो दिन फुर्सत नहीं मिलता है घड़ी को चार्ज करने का, किसी होटल पे रुके और वहाँ पे घड़ी का चार्जर नहीं लेकर के आए, या तो फिर कभी ये होता है कि छूट गया सामान, सब गाड़ी में पड़ा हुआ है। अब गाड़ी की सेफ्टी और सामान की सेफ्टी के लिए तो रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम हमने सारे एब्सोल्यूट का लगाया ही है, तो उसके प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं चाहता हूँ कि उसका सारा सीसीटीवी का फुटेज भी मैं घड़ी पे देख लूँ, एक तो ये बात हुआ, दूसरा कि घड़ी बैटरी डाउन भी ना हो, तो उसके लिए हमें हाई पावर का बैटरी कैपेसिटी का ये लेना था, तो इसके लिए हमने ये किया। उसके बाद फास्ट चार्जिंग वगैरह दोनों में, बाकी सारे जो है फीचर मोर लेस सेम है, सिर्फ इसमें वाटर प्रूफिंग और ये सारे ज़्यादा हैं। ओवरऑल ये काफ़ी टाइम से मैं सोच रहा था कि एप्पल वॉच मैं लूँगा, और एप्पल वॉच के साथ साथ मैं वही देख रहा था कि बेस्ट जो इसका स्ट्रैप होता है जो कि मेटालिक मीन टाइटेनियम मटेरियल का और मिलानीज करके, अगर मैं बाद में लेता हूँ अलग से ये फीता तो मुझे 30,000 के आसपास में पड़ेगा, तो दैट विल बी टोटल कॉस्ट विल बी 2,500 के ऊपर चला जाएगा। हमने क्या देखा कि अगर साथ में लेते हैं तो 10,000 का मेरे को फायदा हो गया, तो इसके कारण से मैंने खाली अवेलेबिलिटी इसका नहीं था, इवन जो मुंबई में एप्पल का BKC स्टोर है वहाँ पे भी सोचा कि ऑर्डर मैं प्लेस कर देता हूँ, वहाँ जाके कलेक्ट कर लूँगा, तो वहाँ पे भी आज के डेट में मैं ये कर रहा हूँ तो मुझे 1 नवंबर को मतलब 40-45 दिन का वेटिंग है, तो इसके लिए मुझे अर्जेंट में चाहिए था। लोकल स्टोर में भी किया, जितने भी अथोराइज्ड यू नो प्रीमियम रीसेलर रहते हैं सभी जगह कनेक्ट किया, कहीं पे भी नहीं मिला। अंत में मैंने अमेजोन पे, और मुझे अब लगता है कि अब लोकल शॉप्स को ओवरराइड कर रहे हैं ऑनलाइन ई कॉमर्स, सो दैट इज जैसा मुझे दिख पा रहा है, क्योंकि वन डे डिलीवरी, कल मैंने ऑर्डर प्लेस किया आज हमारे हाथ में आ गई, सो दिस इज द पावर ऑफ ई कॉमर्स। सो गाइज ये था आज का एक छोटा सा वीडियो एप्पल वॉच अल्ट्रा 2 का अनबॉक्सिंग करके कहिए, या हमारा फीडबैक या हमारा कंसिडरेशन क्यों मैंने लिया इतने 2,500,000 का इसके ऊपर लगा करके, और इसको मैं आगे आने वाले सारे टाइम पे रेगुलरली मैं इसको यूज़ करने वाला हूँ। जितना भी फीडबैक है इसका मैं आपको फीडबैक बताऊँगा। आपको इसके रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, बिकॉज ये वॉच मेरा डेली रनर होने वाला है, तो ऑल द अभी मैं 1 साल हो गया मेरे को iPhone 15 Pro Max लेकर के, लेकिन मैं वॉच नहीं लिया था, मैं इंतज़ार कर रहा था कि Apple Watch 3 Ultra आए, लेकिन वो नहीं आया, लेकिन इसी में कलर आया, अपग्रेड आया, लुक भी और मज़ेदार आया, मेटालिक टाइटेनियम मटेरियल आया, तो इसलिए मैंने सोचा ये प्रीमियम इसको, और कलर भी मैच कर रहा है, लगाने के बाद भी अगर देखेंगे तो ज़्यादा एज सच यू नो ऑड नहीं लग रहा है, आई मीन दिस इज़ लुकिंग गुड, क्योंकि मैंने अपने हाथ पे लगा करके देखा था इसका फीता वाला, तो थोड़ा सा डिफरेंट कलर में थोड़ा सा एक मतलब ज्यादा बड़ा महसूस हो रहा था, इसमें वैसा नहीं लग रहा है। सो गाइस ये था आज का एक छोटा सा वीडियो, अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा, पसंद आया, तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं इससे भी ज्यादा एक एक्साइटिंग वीडियो में, टिल देन सी यू, टेक केयर, बाय।